पास कितना? 5 रुपया. थैंक यू. टिकट बस बदल चुकी है, वक्त बदल चुका है, 50 साल हो गए हैं सचिन को जन्म हुए. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं वही बस में हूँ, 315 तो नहीं मगर 87 जो शिवाजी पार्क जाती है, जिसने रिप्लेस किया 315 को, क्योंकि वक्त बहुत हो गया, बस भी बदल गई है, पूरी नई बस आ गई है. ये रहा टिकट, द बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि जैसे ही मैं पहुँचा वैसे ही बस आ गई थी 87. तो आई डिड नॉट हैव द टाइम टू शो यू अ रेनोवेटेड बस स्टॉप. मुझे चढ़ना था, मुझे पहुँचना था. बस स्टॉप भी बहुत खूबसूरत है और बस भी बहुत खूबसूरत है, बहुत ही कन्वीनियंट है. अभी भी अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो 5 रुपये है, तब शायद 8 आना हुआ करता था. और सचिन लेते थे शायद बच्चों वाला टिकट जो बोलते हाफ टिकट उसमें. तो अभी इस वक्त हम बांद्रा कलानगर से बैठे हैं, जहाँ पर सचिन रहते थे, जहाँ पर उनका घर था साहित्य सहवास. चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जर्नी 87 की. दादर की तरफ जाते हुए इस वक्त हम बांद्रा रिक्लेमेशन पे, मेट्रो के काम चालू है. दोस्तों वेलकम बैक टू cricketnext.com. देखिए पीछे यहाँ पर खाड़ी है माहिम की फेमस, यहाँ से मीठी रिवर बैठता है. तो सचिन यही सब नज़ारा करके जाते थे, देखते हुए पॉजिटिविटी क्रिएट करते जाते थे जब अपना शिवाजी पार्क जाते थे क्रिकेट सीखने और अपना लेजेंड मकाम बनाने के लिए. बैठे थे 5 मिनट पहले, अभी हो रहे हैं 3:25. हम 3:20 पे बैठे थे, हम देखेंगे कि कब तक पहुंचेगी शिवाजी पार्क. तो सचिन सबसे पीछे वाली सीट पे बैठते थे, कंफर्टेबल रहते थे, ऐसा सो जाते थे. उन्होंने पता है एक शॉर्ट स्टोरी में वीडियो में, मैं इस वक्त सबसे पीछे वाली सीट पे बैठा हूँ और अभी हम माहिम पहुँच गए हैं. आराम से सोते हुए जाते थे मगर ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, इट्स अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम बांद्रा कलानगर वेयर आई सैट डाउन. बस को रुका के बैठे और शिवाजी पार्क दादर का टिकट कटवाया. डिजिटल प्रिंट हो गया, वर्ल्ड हैज बिकम हाईली टेक्नो सैवी. शीतला देवी बस स्टॉप थी कलानगर से बांद्रा से, फिर आते माहिम कॉजवे. माहिम कॉजवे में सेंट माइकल चर्च, फिर आते हैं शीतला देवी, उसके बीच में चर्च पड़ता है, उसके बीच में एक दरगाह भी पड़ती है और कुछ सारा खाने पीने का बाजार भी है. उसके बाद हम आएंगे दादर, दादर के बाद आएगा शिवाजी पार्क. हमारा स्टॉप आ रहा है बस शिवाजी पार्क और हम आगे चल रहे हैं. हमारी बस पीछे बैठा हुआ था यहाँ पर, यहाँ से आएंगे शिवाजी पार्क. हमने शिवसेना का भवन यहाँ पर तेंदुलकर उतरते थे. 15 मिनट में पहुँच गए कलानगर से शिवाजी पार्क और यहाँ पर बस स्टॉप भी है शिवाजी पार्क का दादर का. और ज़्यादा वक्त नहीं लगा, तो सोचिए सचिन को भी वक्त नहीं रखा था. सबसे कंफर्टेबल होती है बांद्रा, बॉम्बे की लाइफ लाइन कहा जाता है. 4-5 लाइफ लाइनें हैं, लोकल ट्रेन, बस, DST, टैक्सी सिटी के लिए, ऑटो में सबअर्ब्स. तो यहाँ से बस स्टॉप से शिवाजी पार्क इज़ अ 5 मिनट वॉक. और वॉक करते करते बहुत सारी खाने पीने की दुकानें हैं जो सब एक्सप्लोर कर सकते हैं. बात बता दूँ मैं आपको, बॉम्बे मुंबई
क्या पूरा देश बदल चुका है और ऑब्वियसली बदलेगा क्योंकि लोग आते जा रहे, बढ़ते जा रहे, आइडियाज आते जा रहे हैं, वड़ा पाव से लोग बर्गर पे आ गए हैं, रेवोल्यूशन आता रहेगा और बहुत ही अच्छा रेवोल्यूशन रहेगा। देखिए एक चाइनीज रेस्टोरेंट है जो बहुत सालों से देख रहा हूँ और काफ़ी सारी शॉप्स हैं और मुझे लगता नहीं अगर क्रिकेटर कोई आता उसको खाने पीने की कोई तकलीफ रहेगी। यहाँ पर फ्रैंकी शॉप हो गया है, फूल फ्रैंकी शॉप, और इसके पहले अलग अलग वड़ा पाव सैंडविचेस सब मिलते थे। कह रहा हूँ आपको दुनिया बदल रही है। शिवाजी पार्क गायिका ने शिवाजी पार्क था, ये मीराबाई बाला साहेब ठाकरे का स्टैचू बना है। मंडे है, मंडे को कुछ खास प्रैक्टिस नहीं होती है क्योंकि मंडे इज द डे। यहाँ शिवाजी पार्क जिम खाने की विकेट ही है खूबसूरत। यहाँ पर यंग महाराष्ट्र बीच में अगर जाए, बीच में जाए तो कामत नहीं हो रही है।